बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब भी वो वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है। वहां पे लोग टिकते नहीं हैं, वहां पे लोग उस मशीन को यूज नहीं करेंगे, उस जगह को यूज नहीं करेंगे, उसके पास आना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप तो गाइज, अगर आप अपने बॉडी ऑडर, जो आपकी बॉडी स्मेल को अच्छी करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो और आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आए वो चाहते हो, तो ये मिस्टेक्स करना बंद कर दो और जो मैं बता रहा हूं वो करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आए और आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओ सामने वाले के सामने। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस की। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, स्मेल आती है, या तो अच्छी आएगी या बुरी आएगी। आपकी स्मेल से ही सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आपके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होगी तो डेफिनेटली सामने वाला आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा, वो आपके एनवायरनमेंट, आपकी वाइब में मिक्स मैच होने की कोशिश नहीं करेगा। आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप अच्छा स्मेल कर रहे हो तो। अगर आप अच्छा स्मेल नहीं करोगे तो आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे खुद ही की स्मेल से। कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार हमारी जो बॉडी ऑर्डर है, बॉडी स्मेल है, वो अच्छी है, गंदी है या फिर न्यूट्रलाइज है? आपको क्या करना है, आपको रनिंग करनी है, ऐसा वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें आप स्वेट करो, उस टी शर्ट को एक बार स्मेल करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी ऑर्डर कैसा है। तो मिस्टेक नंबर वन गाइस, आपका वाटर इंटेक बहुत ज्यादा खराब है, आप बहुत कम पानी पीते हो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर पानी ही नहीं पियोगे तो आपके जो टॉक्सिन्स है वो निकलेंगे नहीं, फ्लश आउट नहीं होंगे। मिस्टेक नंबर टू, यू वियर चीप क्लोथ्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्ते कपड़े खरीदते हो, नहीं, सस्ते कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऐसे कपड़े चूज करो जो ड्राई फिट हो, जिसके अंदर स्वेट ज्यादा देर तक स्टे ना करे। आप ऐसे कपड़े पहनते हो जिसमें जो प्लास्टिक जैसे होते हैं, जिसके अंदर आप स्वेट करो तो वो बहुत देर तक स्टे करता है, और जिनमें से खुद में से पहले स्मेल आ रही होती है वो आपकी स्मेल को और ज्यादा गंदी बना देते हैं। थर्ड मिस्टेक, यू डोंट शेव योर बॉडी हेयर। अगर आप अपनी बॉडी हेयर रिमूव नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा जो हमारी स्मेल आती है वहां आर्मपिट से आती है। यहीं से सबसे ज्यादा स्मेल इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे शेव नहीं करते हैं, पे ज्यादा बाल होंगे वहां से स्वेट आना बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। अगर आप स्वेट करते हो तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, पर ये एक रीजन है। ये भी बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, आफ्टर वर्कआउट उनका सारी उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही होती है, पर वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऐड कर देते हैं। गाइस, ये सारी चीजें आपको अनहेल्दी बनाती है। अगर आप जिम भी जा रहे हो तब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ये आपको अनहेल्दी बनाएगी। इससे आपके स्वेट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, जितने भी लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो अपनी मील्स के अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा रखते हैं और कार्ब्स बहुत ज्यादा कम रखते हैं। कि बॉडी अमोनिया प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से अमोनिया जैसी स्मेल आती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारी किडनी और हमारी लिवर बहुत ज्यादा हेल्प करता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। अगर वो दोनों वर्क नहीं कर रहा होगा, स्मेल बहुत ज्यादा खराब होगी। सारे लोग आफ्टर वर्कआउट पूरे दिन के बाद शावर नहीं लेते, या फिर वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत कम शावर लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हो और बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हो, तो उससे भी आपकी बॉडी स्मेल पे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं बता देता हूं वो सारे क्योर्स जो आपको करने हैं, जिससे आप अपने बॉडी स्मेल को न्यूट्रलाइज कर सकते हो और अच्छी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठते ही आपको लेना है गर्म पानी। गर्म पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके टॉक्सिन को रिमूव करने में, और आप साथ में एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपके फैट लॉस में, और आपके जो भी टॉक्सिन होंगे अंदर वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, आप अगर आपकी बॉडी टाइप बहुत ज्यादा स्वेटी है, आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो जिम में भी, नॉर्मल डेज में भी, अगर आप जिम नहीं कर रहे हो तो भी, अगर आप मीटिंग में भी बैठे हो बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो बहुत ज्यादा लाइट वेट हो, कॉटन से बने हो, ड्राई फिट हो, जिसके अंदर स्वेट ज्यादा देर तक स्टे ना करे, और वो आपकी बॉडी पे सूट कर रहे हो, जिससे आपको इचिंग फील ना हो। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब भी वो वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से
उनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है, वहां पे लोग टिकते नहीं है, वहां पे लोग उस मशीन को यूज नहीं करेंगे, उस जगह को यूज नहीं करेंगे, उसके पास आना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने वर्कआउट के अंदर बिटवीन द सेट पानी ही नहीं पीते हो। अगर आपके वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा तो आपके टॉक्सिन स्वेट के थ्रू बाहर निकलेंगे, फ्लश आउट नहीं होंगे। तो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। जब भी आप मील लेते हो प्रोटीन के साथ, तो आप अपने कार्ब लोडिंग अच्छी रखो। अगर आप अच्छी स्मेल चाहते हो अपनी बॉडी से, तो आपकी बॉडी क्लीन होनी चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप अपनी बॉडी का बाहर से ध्यान नहीं रखोगे तो आप डेफिनेटली बहुत गंदा स्मेल करोगे। तो आपको बॉडी शेव करनी है, चाहे आप ट्रिम करो, शेव करो, हेयर स्प्रे करो, लेजर लो, पर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो बाहर से। जब भी आप नहाते हो, पहली चीज तो आपको रोज नहाना है, और आप अगर आप नहाते हो तो आपको पानी के अंदर अपने जो भी बाल्टी है उसके अंदर ड्रॉप्स डिटॉल की आती है वो डालना है, फिर नहाना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो हर जिम फ्रीक करता है, जो हर जिम जाने वाला करता है, वो अपने प्रोटीन के लिए पीनट बटर बहुत ज्यादा यूज करता है। पीनट बटर खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वो आपकी बॉडी स्मेल में से दिखेगा। आप जब भी स्मेल करोगे तो उसमें से पीनट बटर जैसी स्मेल आएगी। तो कुछ अमाउंट में पीनट बटर लेना सही है, पर अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो पीनट बटर जैसी स्मेल आएगी, और जो बहुत ज्यादा गंदी लगती है, क्योंकि उसके अंदर और भी सारे टॉक्सिन्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो पीनट बटर जैसी नहीं आती, वो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। पीनट बटर अगर आप ज्यादा खाते हो तो उनको खाना कम करो। आपको अपनी मील्स के अंदर सिट्रिक फ्रूट्स ऐड करना है, जैसे कि ऑरेंज, अंगूर, पाइनएप्पल, लेमन आप सुबह सुबह ले सकते हो। अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए आप डियो परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, जो आपकी बॉडी को अच्छा स्मेल करने में हेल्प करेगा। डियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे यहाँ फॉलो कर लो।